नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों ये देख रहे हैं कि क्या है, आप लोगों को तो पता ही होगा, अच्छी तरह से देख लीजिए। ये नींबू है, नींबू और अचार। दोस्तों इस नींबू को और अचार को खाने से आपको कौन कौन सी बीमारी नहीं होगी, बहुत से भयंकर बीमारी। दोस्तों हम थक गए थे बहुत चीज़ इसको करके। अगर आपको समझिए कि अंदर से देख लीजिए, देखिए ये नींबू का अचार है। अगर आप लोगों को दहिना अंग में लकवा कभी मार दिया है बाई चांस, या शरीर में गर्मी महसूस होती होगी पहले से, तो आपको दोस्तों ये नींबू जो है, समझिए कि 250 ग्राम मिर्चा है और 2 नींबू है, 2 नींबू को काट करके इसमें गला दिए हैं और थोड़ा सा नमक डाले हैं, काला नमक हो तो और अच्छा है। और इसको कब खाना है, जब भी खाना खाना है तो एक इसमें से मिर्ची ले लेना है और उसके साथ में खाना है। अगर इस मिर्ची को खाते हैं, नींबू वाला जो गला करके रखा गया है उसको अगर जब भी खाना में खाइए तो 1 नींबू खाइए, आपके दहिने अंग में जो लकवा फालिस पहले हुआ होगा वो आपको मिट जाएगी। और गर्मियों के मौसम में अगर 1 नींबू खाते हैं, और खिचड़ी जरूर खाइएगा, गर्मी के मौसम में 4 दिन खिचड़ी खाइएगा। अगर खिचड़ी खाते हैं हल्दी डाल करके, तो आपको शरीर से, आपके शरीर से समझिए कि जितना भी गर्मी है वो कट करके बाहर जाएगी, और प्रदूषण जो है वो आपके, कोई भी प्रदूषण आपके शरीर में उत्पन्न नहीं होगी, और जितना भी है कमजोरियां वो भी मिट जाएगी। और इस नींबू को अगर खा करके देखते हैं तो इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। पैसा कितना लगेगा, कम से कम 250 मिर्चा लाइएगा तो 20 रुपये का या 15 रुपये का होगा, या 20 रुपये का, और 2 नींबू 10 रुपये का, 30 रुपये इसमें खर्चा होगा आप। और आप अकेला खाएंगे या सब परिवार मिलकर के खाएंगे तो कम से कम 1 हफ्ता ये चलेगा, जरूर 2 हफ्ता आराम से चलेगा, इसमें इतना गुण पाया जाता है। लेकिन जब भी बनाइएगा तो नींबू में ही बनाइएगा, 2 टुकड़ा, 1 हरी मिर्च को बीच से तोड़ दीजिएगा, और बहुत से लोग चीर देते हैं ऐसे, लेकिन चीरिएगा मत, इसको तोड़ दीजिएगा। और तोड़ने के बाद में इसको नींबू, 2 गो नींबू गाड़ दीजिएगा, और आपके शरीर में कितना हो गर्मी के मौसम हो और 1-2 आप खाते हैं इसमें से, तो आपकी गर्मी जो है शरीर से जरूर मिटेगी। आप लोग कितना हो भी शरीर में गर्मी महसूस करते होंगे तो आपके शरीर में लगेगा कि ठंडा हो गया है शरीर, इतना इसमें गुण पाया जाता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप लोगों को जीवन बनाने वाला मैं वीडियो बना करके भेजता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को एक एक करके जरूर देखिएगा मेरे भाई, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी आप लोगों के घर में हमेशा खुशियाँ रखेगी, जो हमारा वीडियो देखते हैं उनके घर में खुशियाँ जरूर मिलती है। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी जरूर कीजिएगा।